नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासित अली और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। आपने पिछले दिनों एक शख्स देखा होगा जिसका मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर पहले आउटडेटेड था और वो पीटीआई के खिलाफ जो वीडियोस बना रहा था, आपने देखा होगा पीटीआई को यह भी बता रहा था कि अगर पीटीआई की हुकूमत रेगिस्तान में होती तो रेगिस्तान में बुरान आ जाता। जी हाँ, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साउद बट साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि इतनी मार खाने के बाद भी आप चल के हमारे पास आए। जी मैं, मेरा तो बस नहीं चल रहा था, मैं भाग के आता, मैं मार नहीं खा के आया। बस फिर नहीं चलता ना सर, जब पड़ती है तो बस नहीं चलता फिर। नहीं बस चला था मेरा, लेकिन उन्होंने चलने नहीं दिया। हाँ, क्योंकि हमारा अदारा था उनके खिलाफ, फिर मैं कुछ कर नहीं सकता था। अगर करता तो फिर उनका बस क्या ट्रक और जहाज सब कुछ चल जाना था। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको पहले नक्शे की मेरे ख्याल में सही समझ नहीं थी वीडियो में, नक्शा से तो अब नक्शे की समझ आपको पुलिस ने बता दी सही? जी अच्छा समझ आ गया। नक्शा मुझे तो पहले ही समझ थी, मैं समझा रहा था कि नक्शा ऐसे नहीं ऐसे बनाए। तो अब लोग तो ये कह रहे हैं कि आपका जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हो के आया है बिल्कुल, तो आपको लगी कहाँ हुई है, कुछ जख्म आपके किस किस जगह पे पड़े मौजूद हैं? एक इधर पे भी पड़े हैं। नहीं उधर नहीं पड़ी, एक इधर पड़ी है और एक इधर पड़ी है, राइट लेफ्ट शोल्डर पे। यानी कि उनकी कोशिश थी मैं मोबाइल पकड़ के ना वीडियो ना बना सकूं। अच्छा, लेकिन वीडियो की ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यार बहुत जोर की पड़ी है, मतलब ये तो मैं देख रहा था। लेकिन आप ये बताएं कि आपका बेसिक ताल्लुक कहाँ से? मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है जी। फैसलाबाद में किस इलाके से? फैसलाबाद में जानबुगार के करीब एक इलाका। अच्छा अच्छा, तो आप नून लीग को कब से सपोर्ट कर रहे हैं? नून लीग को अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरे ख्याल पैदा हुआ उससे पहले की फैमिली जो है ना सपोर्टिव। अच्छा, अभी अक्सर लोग मैंने देखे वो ये कह रहे हैं कि इनको जो है नवाज शरीफ से इश्क था और इनका इश्क निकल गया सारा। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा इश्क फिर वो क्या इश्क जो फिर खत्म हो जाए, वो इश्क ही कैसा? तो सिर्फ नवाज शरीफ से इश्क है या उस पार्टी में मरियम नवाज भी है? जी जी, मरियम बीबी से भी वैसा इश्क है जैसे मियाँ साहब से। वैसे मियाँ साहब मेरे कायद है ना, ये उनकी बेटी है और ये खून है, ब्लड लाइन है, तो फिर वो ब्लड लाइन से भी वैसे इश्क होता ना। और अगर आपके सामने मियाँ साहब आ जाए बैठे हो। अच्छा। वो कहें आपके यार मैं आपका बहुत बड़ा, कहने यार साइड पे करो इसको, कौन है ये, निकलो बाहर, तो फिर उसके बाद आपका क्या रिएक्शन होगा? कुछ भी नहीं, मैं चले जाऊंगा। मियाँ साहब की पर्सनैलिटी ऐसे, वो इतना भी मुझे नोटिस कर लेंगे मैं आ गया हूँ, मेरे लिए बड़ी प्राउडली बात। तो आपने ये बाल इस वजह से रखे कि नून लीग में सारे गंजे हैं और आपने उन सारों को मतलब उनका छुपाने के लिए आपने बाल इतने बड़े रख लिए? देखें गंजा होना या बाल होना ये एक कुदरती जीन्स के अंदर बात होती है, इसमें बंदे का बस नहीं है। अगर मेरे भी जीन्स नहीं है, बाल लगे इतने बड़े नहीं है। हाँ, तो लड़कियों वाले हैं, मतलब लड़कियों वाले कहाँ है यार, हमारे सुन्नत भी है यहाँ तक काम तक बाल होना, तो इसमें कोई लड़कियों वाले बात नहीं, मेरी कमर तक तो नहीं है। आपको बेशक आप एक कारकुन भी हैं लेकिन आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, हम खुद आपको बहुत पसंद करते हैं, बड़े स्वीट से बबलू से कोचिंग मुझे से आवे। हाँ, शुक्रिया। तो बाकी ये बताएं कि अगर खान साहब आपसे कहें कोई पैसों की ऑफर करें कि यार छोड़ो नून लीग को, इतनी वीडियो अब नून नवाज शरीफ के खिलाफ बनाओ, तो पैसे आपको 2 करोड़ पड़े हो सामने, क्या कहेंगे? वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अगर इस चीज के लिए पड़े हैं कि नून लीग छोड़ के पीटीआई में आ जाओ तो फिर वो 2 करोड़ रिजेक्टेड है। रिजेक्टेड। हाँ, अगर कोई और ऑफर करे तो फिर मैं सोच सकता हूँ, लेकिन और पार्टी को क्या देना है आपको, मतलब क्या वजीरेआज़म से हट गया तो 2 करोड़ ले लो। अच्छा। तो मैं ले लूंगा 2। अच्छा, मैं कहीं और चला गया था। ये बताएं कि आपको इस पार्टी में ये जो ना फंडिंग हो रही है या फिर आपको नून लीग में, आप उनके इतना मतलब चाहते हैं नून लीग के, आपको मैं उनके पॉलिटिशियंस के साथ भी देख रहा होता हूँ, तो फंडिंग वगैरह पैसों का चक्कर तो नहीं है? सच बताना, झूठ ही बोला? अल्लाह कसम खाए, आई स्वेयर वाला, आई स्वेयर के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, 1 रुपए की फंडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इश्क है, इश्क है, इश्क है। तो एक नवाज शरीफ के लिए एक शेर पढ़े इश्क के लिए, कोई इश्क का बहुत इनके लिए तो शेर पढ़ना मुझे सोचना पड़ेगा, मैं कौन सा सोचो फिर। हाय गाना गा दें, कौन से वाला गाना जो आप प्यार आप करते हैं, मैं थोड़ी करता हूं, मैं तो फिर मियां साहब वाला ही गाना गाता हूं। मियां साहब वाला गाना हो जाए, सोना लगदा मियां। अच्छा, मियां नवाशी साहब के लिए गाना फिर तो इश्क उसी से है ना, और नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो जो मुझे गाना इनका पसंद है ना मियां के नारे, फिर मुझे वहां से शुरू करना पड़ेगा, फिर शुरू से नहीं। सर आप जहां से दिल करे शुरू करें। मैं सोच रहा हूँ वो लाइन है, एक नारा लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। इसी वोट की वजह से ही जो है ना मियां साहब को पीछे किया गया।
एक मैं भी गाना गा दूं जी जी, एक नारा लगाना चाहता हूं, एक नारा लगाना चाहता हूं, अब मार नहीं खाना चाहता हूं। है देखिए मार हजार बार खाने को मैं तैयार। सर वो मार नहीं थी, इतना बंदा एक पीछे से जोर जोर के मारा था, वो आपको लगी है उनकी मतलब कितने बेशक जिस्म पे अभी तक उसके बहुत बड़े निशान। मैंने सुना आप तो कह रहे थे फूल है ये, कोई मसला नहीं मेरे लिए। नहीं वो जो आपने सुना ना अभी आप उसको सिगरेट ढंगे तो और चीज है, लेकिन मारा उन्होंने, पूरी दुनिया ने देखा इसमें कौन सी बात है, कोई शक वाली बात नहीं, उन्होंने मारा। लेकिन वो मार इतनी नहीं मैंने दिल पे ली, क्योंकि चलो हो गया, अमरेली पे आए थे हमें, हमारा एक जमहूरी हक था वो अदारों ने इस्तेमाल नहीं करने दिया, उस वजह से उन्होंने किया। कोई बात नहीं, हम अपनी पार्टी की जो है ना इश्क में, पार्टी की राइट के लिए हम इंशाल्लाह आगे भी रोडों पे निकलेंगे, हमें निकलना पड़ा, अपना जमहूरी हक हम इंशाल्लाह जरूर इस्तेमाल करें। अच्छा ये बात है कि सुन आप टिकटॉकर हैं बेसिकली, आप टिकटॉक बनाते हैं, सुना है खान साहब आप टिकटॉक बैन भी कर रहे हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है कि बैन होना चाहिए या नहीं? आप तो कहेंगे नहीं होना चाहिए, मैं टिकटॉक हुआ ना सिंपल सी बात, लेकिन होना चाहिए मतलब, और अब कर रहे हैं बैन फिर क्या करेंगे? नहीं वो करते हैं तो फिर करते रहे, बंदा करने वाले को कौन रोक सकता है, जो सिंपल सी बात है। खान साहब के आगे भी काम देख ले आपने, वो आज कह दिया उन्होंने करना है, दो दिन में उन्होंने यू टर्न ले लेना। अच्छा ये बार बार ध्यान से कहनी है, पहली बार तो थोड़ी लगी है, अगली बार पता नहीं क्या होना है। मैं कहता हूं कोई मसला नहीं है, जो 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 लोग इस बार मारने से रह गए नेक्स्ट टाइम वो भी मारे। चले हमारे साथ है साउद बट साहब, जो है नून लीग के नवाज शरीफ साहब से इश्क मुश्क खंग खुरक सब करते हैं और बहुत प्यार करते हैं उनसे और मोहब्बत सब करते हैं, नून लीग के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, ये बात है इंशाल्लाह। नून लीग के लिए अपने बाल की टेंट भी करा सकते हैं, ये बात है इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगर ये सिर्फ रेजर लेके वो लेके आए, नहीं ये सिर्फ मियां साहब कहेंगे तो मैं कटे हम करा भी सकते हैं ना, नहीं ऐसे तो मास्टर कोई नहीं कर सकता हमने इस तरह। चले हमें ना एक वैसे ही प्यारा सा गाना सुनाएं कोई भी। यार मेरी अच्छी आवाज, यार मैंने आपकी आवाज अच्छा, ये बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। मुझे कुछ नहीं हो रहा सर। अच्छा चलें जी, ये साउद भट्ट साहब थे सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए, दस्तक टीवी पे आए, और एक बार ये भी अपने ऑडियंस को भी कहते हैं कि दस्तक टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट दें। जितने भी देखने वाले सुनने वाले हैं वो काइंडली इस चैनल को जो कि दस्तक टीवी है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कॉमेंट करें और इसको शेयर भी लाजमी करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू सर। ये आप जो है ना इसको ट्रांसफर करें।